नोटबंदी हुई, जानते हैं नोटबंदी? अभी 8 नवंबर को हमने उसकी सालगिरह मनाई है। नोटबंदी समझ लेना मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा मुखर होना। नोटबंदी के 8वें दिन में अपने मकान मालिक को किराया देने पहुंचा तो मेरा मकान मालिक फैल गया, बोला मैं तो कैश ही लूंगा। मैंने कहा कैश कहां से लाएं, कैश देश में बंद हो गया। बोला मुझे नहीं पता, मैं तो कैश ही लूंगा। मैंने मिलाया मोदी जी को फोन, मैंने कहा क्या हमारी जान को आफत कर दी, कैश तुम नहीं दे रहे, चेक कोई नहीं ले रहा, हम कहां जाएं? मोदी जी ने बोला पुलिस बुलाओ। मैंने पुलिस का नंबर डायल किया, पुलिस वाला आया, बोला मैं भी कैश ही लूंगा। वो एक प्रेमी प्रेमिका समुद्र के किनारे खड़े थे, तो प्रेमी ने प्रेमिका से पूछा, डार्लिंग तुम मुझे कब तक प्यार करोगी? ये सुन के प्रेमिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक आंसू समुद्र में गिराया और कहा, जब तक तुम इस समुद्र में से ये आंसू ढूंढ पाओगे मैं तुम्हें तब तक प्यार करूंगी। जैसे आप लोग भावुक हो गए ये सुन के, ऐसे ही समुद्र प्रकट हुआ। दोनों हाथ कमर पे रखे, बोला साड़ो ये फालतू की बात है, तुम्हें सूझती कहां से है? तो प्रेम कुल मिला के ऐसी फालतू की बात है। वो पति नाराज पड़ा है, अगली गीत लिख रही है। पति की चिंता ना है उसे, और जितना क्रेडिट मिलता है वो इन महिलाओं को मिलता है। साहब मैं एक आपको बहादुरी की बात बताता हूं जिसमें महिलाओं की कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन पूरा क्रेडिट महिलाओं को। आप लोगों ने सुना होगा, कई मारवाड़ी बैठे हैं यहां पे, राजपूतनियां अपना सुहाग अपना सिंदूर देश पर न्यौछावर कर देती हैं, इस बात पर तालियां बजती हैं, क्षत्राणियों के लिए बजती हैं। और वो जो सिंदूर न्यौछावर हो रहा है एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं, अच्छा महिलाओं के विषय में, पतियों की हालत, ये जो भोला भाला मर्द बैठा है ना बाबूजी, कुछ भी कहते रहो इसके बावजूद अभी खूब गालियां पड़े इस मर्द को, सारी महिलाएं मिलके कोस लें, उसके बाद भी एक महिला आकर कहेगी कि भाई साहब आप हेल्प कर देंगे, भाई साहब सुनने के बावजूद वो हेल्प कर देगा। क्या बात। इससे भोला प्राणी दुनिया में कोई नहीं होता। और हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, पूरी दुनिया की ऐसी है। अभी डोकलाम में जब चीन ने कब्जा किया तो देश में युद्ध का माहौल बन गया, और जब देश में युद्ध का माहौल बनता है तो कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाते हैं। ध्यान से सुनना ये बात को, ये मेरा भविष्य तय करेगी। कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाते हैं युद्ध के समय, जहां महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं, जहां देश का गोला असला बारूद रखा जाता है, जहां आपातकाल आने पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों को रखा जाता है, वहां सबका प्रवेश निषेध होता है, नो एंट्री। ऐसे एक विशेष सुरक्षा क्षेत्र में एक अनजान हवाई जहाज लैंड कर गया। जैसे ही वो हवाई जहाज लैंड हुआ तो उसे चारों ओर से आर्मी ने घेर लिया। बोले भाई तू यहां कैसे आ गया? बोला जी मेरा फ्यूल खत्म हो रहा था, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी, मैंने यहाँ रनवे बना देखा, मैंने यहाँ लैंड कर लिया। तो सेना ने उसे सारी रात अपने पास रखा, उसकी तफ्तीश की, कहीं दुश्मन ना हो, कहीं दुश्मन का जासूस ना हो, कहीं आतंकवादी ना हो। जब सारी रात पड़ताल करके संतुष्ट हो गए तो सुबह उसे हिदायत देकर छोड़ा, आज तो तू यहां आ गया, आज के बाद अगर तूने मजबूरी में भी यहां लैंड किया तो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। अगली शाम वही पायलट उसी जहाज में एक सवारी साथ बैठा के फिर वही लैंड कर गया। तो आर्मी ने पूछा, रे तुझे कल समझाया था समझ नहीं आया, उसका दर्द आपकी आंखों में तैरे तो जरा उसे हथेलियों पर रख लेना। आर्मी ने समझाया, आर्मी ने पूछा कल तुझे समझाया था समझ नहीं आया, उसने हाथ जोड़ दिया। साहब बोला जी बाद में आपको मेरे साथ जो करना हो वो कर लेना, ये मेरी पत्नी साथ में है, पहले इसे ये बता दो मैं कल रात कहां था। एक कथा गीत सुनाता हूं, जब लड़की नई नई कॉलेज में प्रवेश करती है तो वो ढूंढती है उस स्कूटर वाले भैया को जो एक उम्मीद में उसे घर से कॉलेज लेकर आएगा, कॉलेज से घर छोड़कर आएगा। और जब कोई लड़का कॉलेज में प्रवेश करता है तो वो ढूंढता है उस एक चेहरे को जिसे देखकर उसे अपने कॉलेज के 3-4 साल काटने होते हैं। लड़कियां ना उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती ना रिजेक्ट करती, बीच में लटकाए रखती हैं, एक ना एक टास्क दिए रखती हैं, ये काम पूरा कर लोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी।
और वो काम कोई पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उन कामों का कोई अंत ही नहीं है। वो क्या क्या टास्क देती है, आप सब लोगों ने अगर कॉलेज गए होंगे तो वो टास्क सुने होंगे। पिछले दिनों सर मेरी सर्जरी हुई दिल की, डॉक्टर के पास गया, बात कर रहा हूं जिम्मेदार, बात कर रहा हूं जिम्मेदारी से सुनना कैसे अपने जख्मों को आईना बनाया जाता है। मैं डॉक्टर के पास गया तो दिल के डॉक्टर ने बाबूजी मुझे वही बात बताई जो हमें पहले से पता थी। कई सारे टेस्ट करके उसने बताया तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैंने कि वो तो जिस दिन कलम थामी थी उस दिन हमें पता था कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, और हम दिल से जीने वाले लोग हैं, हमारा दिल बड़ा होगा या नहीं होगा। अच्छा लोगों को अलग टेंशन, डॉक्टरों को ये टेंशन थी ये बचेगा या नहीं, मुझे अलग टेंशन थी। अब आशिकों को क्या टेंशन होती है, जिनको ये टेंशन कभी हुई है मुझे बताना। अनलिखा पैगाम छपा, अरुण जी पहली बार सुनोगे, अनलिखा पैगाम छपा तो क्या होगा, अनलिखा पैगाम छपा तो क्या होगा, धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा। ईसीजी करवाने से डर लगता था, ईसीजी करवाने से डर लगता था, ग्राफ में उसका नाम छपा तो क्या होगा। क्या बात, तो हमें तो ईसीजी करवाने से भी डर लगता था। तो लड़कियां एक ना एक टास्क में फंसाए रखती है, मैं भी कई टास्कों में फंसा हूं, आप भी फंसे होंगे। कथा शुरू करता हूं। कन्या एक कुंवारी थी, चूलो तो चिंगारी थी, वैसे तेज कटारी थी लेकिन मन की प्यारी थी। सखियों से बतियाती थी, शोधों से घबराती थी, मुझसे कुछ शर्माती थी, बस से कॉलेज आती थी। अंतर मन डिस्क्लोज किया, एक दिन उसे प्रपोज किया, पहले वो नाराज हुई, तबीयत सी नासाज हुई, फिर बोली ये ठीक नहीं, अपनी ऐसी लीक नहीं, लिखने पढ़ने के दिन है, आगे बढ़ने के दिन है, ये बातें फिर कर लेंगे, इश्क मोहब्बत पढ़ लेंगे, अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। पहला टास्क है, अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। उसने यूं रिस्पोंड किया, प्रोपोजल पोस्टपोन्ड किया, हमसे हिम्मत नहीं हरी, मन में ऊर्जा नहीं भरी, रात रात भर पढ़ पढ़ के नई इबारत गड़गड़ के, ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। आपके बीच से किसी ने कॉलेज टॉप किया तालियां बजा दो। ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया, अब तो मूड सुहाना था, अब उसने मन जाना था, लेकिन राग पुराना था, फिर एक नया बहाना था। अब क्या क्या बहाने होते हैं सुने हो तो ही तालियां बजाना, वरना मत बजाना। लेकिन राग पुराना था, फिर एक नया बहाना था, जॉब करो कोई ढंग की, फिर स्टेटस की नौटंकी, कभी कास्ट का पेच फंसा, कभी बाप को नहीं जचा, थककर रोज झमेले में, नौ चंदी के मेले में, एक दिन जी कैड़ा करके कहा उसे यूं जा करके, जो कह दोगी कर लूंगा, कहो हिमालय चढ़ लूंगा, लेकिन क्लियर बात करो, ऐसे ना जज्बात हरो, या तो अब तुम हाँ कर दो या फिर साफ मना कर दो। लड़की को लगा आसामी हाथ से जा रही है, तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। महिलाओं के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, उसके आगे कोई देवता नहीं टिक पाया। या तो अब तुम हाँ कर दो या फिर साफ मना कर दो, सुनकर कन्या मौन हुई, हर चाला की गौण हुई, तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई, तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई, हिम्मत को कर ढेर गई, प्रण पर आंसू फेर गई। पुनः प्रपोजल बीट हुआ, नखरा नया रिपीट हुआ, अब सुनना नखरा, ये मेरी ईगो को हर्ट किया उसने। पुनः प्रपोजल बीट हुआ, नखरा नया रिपीट हुआ, थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो, थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो, ज्वाइन कोई जिम कर लो, तोंद जरा सी डिम कर लो, खुशबू सी खिल जाऊंगी, मैं तुमको मिल जाऊंगी, खुशबू सी खिल जाऊंगी, मैं तुमको मिल जाऊंगी, तीन साल का वादा कर, निक्षमता से ज्यादा कर, हीरो जैसी बॉडी से, डैशिंग वाले रोडी से, बेहतर फिजिक बनाना लूं, छह छह पैक बनाना लूं, सूरत नहीं दिखाऊंगा, तुझको नहीं सताऊंगा, रात और दिन श्रम करके, खाना पीना कम करके, रूखी सूखी खा करके, सरपट दौड़ लगा करके, सोने सी काया कर ली, फिर मन में ऊर्जा भर ली, उसे ढूंढने निकल पड़ा, किंतु प्रेम में खलल पड़ा, चुन्नी बांध पुछल्ले में, किसी और के छल्ले में। वाह, चुन्नी बांध पुछल्ले में, किसी और के छल्ले में, वो जूही की कली गई, किसी और की गली गई, शादी करके चली गई, आयरी किस्मत छली गई,
थका थका हारा हारा मैं बदकिस्मत बेचारा, पल में दुनिया घूम लिया, हर फंदे पर लूम लिया, कभी मिली तो पूछूंगा, अपने आंसू पोंछूंगा, क्यों मेरा दिल तोड़ गई प्यार जताकर छोड़ गई, क्यों मेरा दिल तोड़ गई प्यार जताकर छोड़ गई, कुछ दिन बाद दिखाई दी। भाई साहब मिलती जरूर है, जिस सूरत को अब हम देखना नहीं चाहते वो दिखाती जरूर है। और यहां से आप लोगों की वर्तमान परिस्थितियां जब आप मार्केट में निकलते होंगे, ये सब आप अपना प्रेम अब जिए होंगे। कुछ दिन बाद दिखाई दी वो आवाज सुनाई दी, प्रैक्टिकल हो रही है कविता, एक एक पंक्ति पर ठहाका चाहिए। कुछ दिन बाद दिखाई दी वो आवाज सुनाई दी, छोड़ा था नौचंदी में पाई सब्जी मंडी में, छोड़ा था नौचंदी में पाई सब्जी मंडी में, कैसा घूमा लूप सुनो उसका अनुपम रूप सुनो, वो जो एक छरहरी थी कंचन देह सुनहरी थी, अब दो की महतारी थी। और अगली पंक्ति में मेरी बारीक नजर दिखाई दे जाए तो तालियां बजाना, वो जो एक छरहरी थी कंचन देह सुनहरी थी, अब दो की महतारी थी तीजे की तैयारी थी, अब दो की महतारी थी तीजे की तैयारी थी, उलझे उलझे बाल हुए फूले फूले गाल हुए, इन बेढंगे हालों ने दिल के फूटे छालों ने, सपनों में विष घोला था एक हाथ में झोला था, एक हाथ में मूली थी खुद भी फूली फूली थी, एक हाथ में मूली थी खुद भी फूली फूली थी, सब सुंदरता लूली थी आशा फांसी झूली थी, इतना के ये खेल खड़े देख रहा था खड़े खड़े, तभी अचानक सधे हुए दो बच्चों से लदे हुए, चिक चिक से कुछ थके हुए बाल वाल सब पके हुए, एक अंकल जी प्रकट हुए। अंकल जी का जवाब, मेले तो अंकल जी थे। तभी अचानक सधे हुए दो बच्चों से लदे हुए, चिक चिक से कुछ थके हुए बाल बाल सब पके हुए, एक अंकल जी प्रकट हुए, दर्शन कितने विकट हुए, 52 इंची कमरा था इसी कली का भ्रमरा था, 52 इंची कमरा था इसी कली का भ्रमरा था, तूफानों ने पाला था मुझसे ज्यादा काला था, मुझसे अधिक उदास था वो, केवल 10वीं पास था वो, मुझसे अधिक उदास था वो, केवल 10वीं पास था वो, रानी साथ मदारी के फूटे भाग बेचारी के, घूरे मेला लूट गए तितली के पर टूट गए, रचा स्वयंवर वीरों का मंडप मांडा जीरो का, गरम तवे पर फैल गई किस खुसट की गैल गई, गरम तवे पर फैल गई किस खुसट की गैल गई, बिना मिले वापस आया कई दिनों तक पछताया, अब भी अक्सर रातों में कुछ गहरे जज्बातों में पिछली यादें ढोता हूँ, सबसे छुपकर रोता हूँ, मुझ में क्या कम था ईश्वर, किस्मत में गम था ईश्वर, अब भी आंसू बहते हैं भाग्य इसी को कहते हैं।